हाय फ्रेंड्स, जियोडकॉम चैनल पर सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2020-21 सत्र का हिंदी पेपर को चर्चा करेंगे 12वीं कक्षा के। पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब मैं इस रिलेटेड वीडियो को अपलोड करूँगा। और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा। और दोस्तों को शेयर करने को बिल्कुल ना भूलना, ताकि आपका दोस्त का भी फायदा मिल सके। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या है ना, 4 नंबर को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है ना, अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए बाजार में आज किन किन तरीकों का उपयोग किया जा रहा है, उदाहरण सहित संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप स्वयं किस तकनीक या तौर तरीके का प्रयोग करना चाहेंगे जिससे बिक्री भी अच्छी हो और उपभोक्ता गुमराह भी ना हो। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे ना, देखो पहले क्या है ना, अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए बाजार में आज निम्नलिखित तरीकों अथवा कौशल का प्रयोग किया जा रहा है। क्या क्या टेक्निक प्रयोग किया जा रहा है ना, देखो फर्स्ट नंबर क्या है ना, एक के साथ दूसरे चीजों का फ्री, बाय वन एंड गेट वन फ्री, है ना। सेकंड में क्या है ना, विक्रय मूल्य से रियायती अथवा कटौती, डिस्काउंट दे रहे हैं, लॉकी ड्रॉ। और क्या कहते हैं ना, पूजा ऑफर भी आ रहा है, किस्त पर पैसा लेना, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं पैसा, सामान उधार भी दे रहे हैं, सेल लगाते हैं, घर पर पहुंचाते हैं, डिलीवरी टू होम। ठीक है, अखबारों तथा टीवी पर विज्ञापन भी दे रहे हैं, एडवर्टाइज ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर। और क्या करते हैं ना, बिक्री कार्यकारी द्वारा, बाय सेल्स एग्जीक्यूटिव। और क्या करते हैं ना, उपहार अथवा प्राइज। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, आप भी लिख सकते हैं। और उसमें क्या बोला है ना, आप किसको अपनाएंगे, देखो उपरोक्त समस्त अथवा सभी तकनीक या तौर तरीके को मैं प्रयोग कराना चाहूँगा जिससे बिक्री भी अच्छा होगा और उपभोक्ता गुमराह भी ना। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट है 5 नंबर को। देखो 5 नंबर में क्या है ना, निम्न में से किसी एक विषय पर अपने विचार लिखिए। देखो दो ऐसे लिखने के लिए बोला है, कितना ना, 100 to 150 words में लिखना है। फर्स्ट क्या है ना, वैश्विक महामारी कोरोना का जीवन शैली पर प्रभाव क्या क्या डाल रहे हैं उसके बारे में लिखने के लिए। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले उपक्रम लिखेंगे, है नहीं, ये सब पूरा को लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको अगर पूरा चर्चा करने में टाइम लगेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को स्टे करके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। और सेकंड में क्या लिख सकते हैं ना, जीवन शैली पर प्रभाव, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है ना, उपसंहार, अंत में उपसंहार लिखा जाता है। मैं कुछ लिखा हूँ, आप और भी कुछ जोड़कर लिख सकते हैं, है ना। आप पूरा को स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है ना, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, मतलब ये टोटल पद्य है। क्वेश्चन क्या पूछा है ना, उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य को लिखिए। देखो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है ना, पतंग नामक कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। देखो मैं इतना लिखा हूँ, आप इससे भी ज़्यादा ऐड करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को स्टे करके। ठीक है, ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलो देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन को। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है ना, बाजारपन अथवा कपट से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, इसके बारे में लिखने के लिए। ठीक है, मैं इतना आंसर को लिखे हूँ, आप इसे भी और ज़्यादा कुछ जोड़ के लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि इस रिलेटेड वीडियो में जब अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और दोस्तों को शेयर करने को बिल्कुल ना भूलना, ताकि आपका दोस्त का भी फायदा हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।